जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आरसीएस क्लासेस पे। तो आज हम आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगा। तो आज इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जो चीन परिपाटी के बारे में, कि फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की क्या होती है। तो इसको देखने से पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पहला प्रश्न की बात करते हैं और पहला प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं और आर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और कहता है कि जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है दोस्तों, और उत्तल दर्पण की धनात्मक। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की बात किया है तो अवतल दर्पण की ऋणात्मक होता है, यानी क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। और पूछ रहा आर, तो आर बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2f। कितना इजी है दोस्तों, 2 × -20 यानी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आंसर। अगर यहीं पे रहता कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लेते और प्लस में आंसर आता, लेकिन अवतल दर्पण इसलिए माइनस में आया। कभी कभी इसी को उलट के प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी दे देता है कि एक दर्पण का फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताए। तो जब वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस से दुगना होता है तो क्या होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होगा, यानी उसको आधा करके आंसर दे देंगे, ठीक है। कभी कभी दे देगा आपको कि आर बराबर 40 सेंटीमीटर तो एफ पूछेगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा, आर बटा टू यानी 40/2 और क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यह हुआ दोस्तों, कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कह दिया कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर, और बोल दिया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी -15 होगा। से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, यानी वस्तु की दूरी हो गया 60 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। तो बोलता है वी बराबर वाट, तो बताइए एफ मालूम है, यू मालूम है, भी निकालना है, तो इसके लिए कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है दोस्तों, यू। तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू दिया गया है 1/-15 बराबर, यू का वैल्यू, भी का वैल्यू मालूम नहीं है तो 1/v रहने देते हैं, प्लस 1/u का वैल्यू मालूम है -60। अब देखिएगा ये 60 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/60 और ये -1/15 रहेगा तो उधर हो जाएगा 1/v। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 60 × 15 का एलसीएम कितना होगा, 60, 60 में 60 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 1 से गुना तो 1, -15 × 60, 15 में 4 से भाग तो 4 मरतब में कटेगा और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 1/v। तो 1 में से 4 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो बचेगा -3/60 बराबर 1/v। इसको काटेंगे तो 3 × 6 यानी 1 × 0 = 20 मरतब में कटेगा, यानी उसके बाद क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, तो -v बराबर क्या हो जाएगा, 20, अर्थात भी बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा तीसरा प्रश्न रहा। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न। तो अगले प्रश्न मेरा है 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न कहता है एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बोल दिया है उत्तल दर्पण, तो वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी है तो वस्तु की दूरी तो हमेशा नेगेटिव होता है, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कहने का मतलब भी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले। अब हमको एफ निकालना है, एफ बराबर हुआ, अब बताइए कि भी दे दिया तो अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब की दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लेंगे तो 1/f बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u, तो 1/v का वैल्यू 12 है प्लस 1/u का वैल्यू कितना है, -20, तो क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 12 और 20 का एलसीएम 60, 12 में 60 से भाग करेंगे 5 मरतब में कट जाएगा 5
माइनस 20 दिया 63, तो बचा कितना 2/5 में से 3 गया तो 2/60, यानी काट देंगे 30 मरतब में, यानी हमको प्राप्त हो गया 1/f = 1/30। तो क्रॉस गुना करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये आंसर रहा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। पांच नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण, अब ये नहीं बोला है कि उत्तल है या अवतल, के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक वस्तु, देखिए बोल दिया 15 सेंटीमीटर यानी दूरी, यानी कि u बराबर और माइनस 15 होगा, आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी भी बराबर 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग अपना मन से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉरी दोस्तों, अब बोल दिया है, क्या बोला है कि दर्पण के पीछे, अब मान लीजिए दर्पण यहाँ है, इसके पीछे बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे मतलब क्या, दर्पण की ओर ही बनता, ठीक है, तो पीछे बन रहा है यानी पॉजिटिव होगा, पीछे बन रहा है, दर्पण यहाँ पे है, बन रहा है पीछे, तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद बोल रहा है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, यानी एफ निकालना है, ये भी तो रहा उसी प्रकार का प्रश्न। तो 1/f बराबर हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u, तो 1/v का वैल्यू है 60 प्लस 1/u का वैल्यू है -15, तो हो जाएगा 1/60 प्लस माइनस माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे 60 का, तो 15 और 60 का 60 हो जाएगा, 60 एकम 60, तो एक में गुना करेंगे तो 60 माइनस 15 में 60 से भाग, तो 15 चौका 60, 4 में 1 से गुना तो 4, तो बच गया कितना -3/60, 3 से काट देंगे 20 मरतब में, यानी आ जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/-1/20, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा -f = 20, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा पांच नंबर प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, आपको बताया दोस्तों प्रतिबिंब गुना बोल रहा है, आवर्धित मतलब m, आवर्धन मतलब m, 3 गुना मतलब 3, ठीक है, कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, यानी क्या h - 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है तो बीम की ऊंचाई ज्ञात करें, यहाँ पे बीम बोल रहा है मतलब वस्तु, यानी h- निकाल लें, बराबर व्हाट, आप लोग क्या जानते हैं m बराबर क्या जानते हैं h - h, ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 3 और h- का वैल्यू कितना दिया है 15 और बटा में हो जाएगा h। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया, तो प्रतिबिंब कौन सा दर्पण की बात, गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, दाएं बाएं भी कहता तो हम लोग ऊपर नीचे की बात करता तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो अब देखिए इसी को सोल्यूशन कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, तो बटा में कर देंगे, अब जानते हैं बराबर रहता है तो ऊपर से ऊपर ही कट जाता है, तो 3 × 5 = 15 बच गया 1, यहाँ पे क्रॉस करेंगे h बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि वस्तु की ऊंचाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी प्रश्न के बारे में, 8 नंबर, और एक प्रश्न आप लोगों को हम HW में देंगे, वो बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, 7 नंबर, ठीक है, क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु स्थित है। अब क्या बोला कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी क्या हो गया u बराबर -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, और 0.5 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी कहने का मतलब h का वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है इसका 2 सेंटीमीटर ऊंचा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है h- 2 सेंटीमीटर ऊंचा और आभासी मतलब क्या, सीधा, और सीधा तो पॉजिटिव में, तो h- का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दिया बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, यानी v = what। अब बताइए दोस्तों
हम लोग लास्ट में एक बात बताए थे, हम लोग एम बराबर क्या जानते हैं, एच डैस बटा एच, ठीक है। और एम बराबर एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि माइनस वी बटा क्या होता है, यू। तो एम के जगह पे क्योंकि हमको यू मालूम है, एच मालूम है, एच डैस मालूम है, वी निकालना है, तो ये एम के जगह पे हम लोग माइनस वी बटा यू भी तो रख सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला में लास्ट में हम बताए भी होंगे कि माइनस वी बटा यू बराबर एच डैस बटा एच का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम लोग इसमें निकाल लेंगे। तो देखिएगा वी का वैल्यू तो निकालना ही है दोस्तों, माइनस वी, यू का वैल्यू दिया गया है माइनस दस, और एच डैस का वैल्यू है दो, और एच का वैल्यू है 0.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बैठाएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, पाँच चौक बीस, यानी कहने का मतलब क्रॉस गुना करेंगे एक मरतब में, तो वी एकम वी, और दस चौक चालीस, यानी वी बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। हल करने का एक तरीका है कि दोस्तों पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें क्या दिया है पहले उसको लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या इस प्रश्न में कौन सा फार्मूला लग सकता है, उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला लगा करके और कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग को 8 नंबर है, और 8 नंबर आप लोग HW में बना करके हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।